बल्कि हम तो कहते हैं एक एक बुलडोजर महिलाओं को भी दीजिए ना, हम लोग भी जाके चलाएं। हाँ, महिलाओं को भी दीजिए एक एक बुलडोजर। हाँ। हम लोग भी जाके चलाएं इनके घर में, और इनकी महिलाओं को बताएं कि तुम चूड़ी पहन के घर में बैठी हो, तुम्हारा आदमी बम फेंक रहा है, हम लोग महिलाएं होकर तेरे घर में बुलडोजर चलाएंगे। के इलाके में जाके अति को आज की डेट में सबक 100% सबक सिखा सकते हैं। अवसर दें योगी जी, देखिए ना सिखा दें उसको छट्टी का दूध याद दिला देंगे। ये उसकी पत्नी ने तब क्यों नहीं समझाया था जब उसका पति गलत गतिविधियों में लिप्त था? तब तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा था, तब तो आज वहाँ पे मुर्ग मुसल्लम और सब कुछ समाजवादी पार्टी के समय में और एंजॉयमेंट हो रहा है, पार्टियाँ हो रही हैं, स्टेज पर नचनिया डांस हो रहा है, ये सब चल रहा था, तब कहाँ? अगर उनकी पत्नी को डर लग रहा है, पत्नी तो घर में बैठी है, पति तो जेल में बैठे हैं, तो उनको डर लग रहा है, वो भी थोड़ा बाहर निकले ना, तो पता चले कि दुख दर्द जिसको बम फटा है, चिथड़ा नोचाया है, तो उस खून को एहसास करे ना बाहर आके। आज हमारे साथ प्रयागराज की तमाम सारी महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि जो आज जिनको डर सता रहा है, जब प्रयागराज की जनता डर में रहती थी, जब प्रयागराज की महिलाएं डर में रहती थी, तब उन लोगों को आम जनता की चिंता क्यों नहीं थी? आज जब कार्रवाई हो रही है, आज जब बुलडोजर और तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उनको डर क्यों लग रहा है? तमाम सारी महिलाएं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैडम, सबसे पहले आप ही से बात करेंगे, नाम बताइए हमारे इधर। मेरा नाम शिखा खन्ना है, काम कर जी। मैडम, ये बताइए कि अतीक अहमद जी की पत्नी को डर लग रहा है, कह रही हैं कि मतलब हमारे पति का हाथ नहीं है उमेश पाल हत्याकांड में, तमाम सारी चीज़ें। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि ये तो हर जो अपराधी होता है वो यही बोलता है कि मेरा हाथ नहीं साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ, योगी जी हमारे बहुत ही समझदार और बहुत कुशल नेतृत्व के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, और अगर उन्होंने कुछ किया नहीं है तो उनको डरना भी नहीं चाहिए, और किया है तो जैसा योगी जी ने कहा है कि मिट्टी में मिला देंगे, तो हकीकत में मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, वो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे लगता है कि मिट्टी में मिलाने जाने वाला योगी जी का बयान है। हाँ। उसमें मतलब अखिलेश यादव जी कह रहे हैं फिल्मी स्टाइल में बात कर रहे हैं, जैसे लग रहा है योगी जी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। ये अखिलेश यादव जी का बचपना है। योगी जी ने जैसे ही कहा है मिट्टी में मिला देंगे, उसका आपने देखा होगा 24 आवर्स नहीं बीते थे, पहला इनकाउंटर हो गया था इस हत्याकांड का, जो जिसने शूटर था, जिसने फायरिंग करी थी, उसको तुरंत मिट्टी में मिला दिया गया। तो ये तो शुरुआत है। अगर जिन जिन लोगों ने ये कोशिश करी है कि प्रयागराज जैसे शांत शहर में, प्रयागराज या उत्तर प्रदेश जो आज मतलब हमारे हिसाब से जिसमें लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही अच्छे से सब चीज़ें योगी जी मैनेज कर रहे हैं, और उसको छिड़ने की कोशिश करी है उन्होंने, तो परिणाम तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। ये तो स्टार्टिंग है, अभी ये तो शुरुआत है। पहला आदमी मिट्टी में, अभी तो जितने लाइन में है सबको मिट्टी में हकीकत में मिलाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। योगी जी ने जो कहा है वो करते हैं और करते आए और करते रहेंगे। पूरा गिरोह खत्म कर दिया जाएगा, 100% खत्म किया जाएगा। जिन लोगों ने ये छेड़ा है, जिन लोगों ने ये हरकतें करी हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अब वो पहले वाली सरकारें नहीं हैं। पहले क्या था, सारे गुंडा माफिया बाहर टहलते थे, सबको टिकट दिया जाता था, मालाएं पहनाई जाती थी। एक विधायक जी के तो पुत्र ने ये तक भी कहा था कि भैया जी अभी 6 महीने तो कोई तबादले नहीं होंगे, भैया जी अभी 6 महीने तक तबादले नहीं होंगे, और जो है बाद में हिसाब। तो कैसा हिसाब है? अब हिसाब योगी जी लेंगे ना सबसे, जितने अपराधी जितने ही इस तरह के लोग हैं उनको सबको वाकई में मिट्टी में मिलाया जाएगा, ये 100% सच है। आज मिलाया जाए, कल मिलाया जाए, परसों मिलाया जाए, ये समय और वो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये तय है अगर आपने गुनाह किया है तो कानून व्यवस्था इतनी तगड़ी है कि उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। खबर ये भी है कि अतीक अहमद का बेटा वो मतलब कि भागा भागा घूम रहा है पुलिस से, हो सकता है सिलेंडर करने की फिराक में है कि कोर्ट में जाके कहीं बच जाए, शरण मिल जाए। उसकी कहते हैं ना कि कब तक खैर मनाएगी वो अपनी, भाई प्रॉब्लम अगर आपने गलती करी है तो आप कब तक भागे भागे फिरोगे? कभी ना कभी तो आप पकड़ में आओगे। भागा भागा तो बहुत लोग पीछे भी जितने अपराधी थे भागे भागे फिरे थे, क्या वो बच पाए थे हमारी कानून व्यवस्था से? तो आज भी नहीं बचा। अब भाजपा की सरकार है, अगर आप कुछ गलत करेंगे तो वो चाहे भी किसी भी दल का नेता हो, किसी भी दल का नेता हो, किसी पैसे वाले का बच्चा हो, चाहे किसी राजनेता का बच्चा हो, बचेगा कोई नहीं। गलत का जो परिणाम होगा वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। 100% मैडम आप इनकाउंटर होना चाहिए, खुलेआम आप रोड पे गोलियां चला रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है? आप साहसी हैं, आप अपने को दिखा रहे हैं कि योगी जी का राज है, मोदी जी का राज है, लेकिन हम लोग खुले हैं, हमको कोई नहीं रोक सकता। तो इनको ये सबक दिखाना है,
इनको ये सबक सिखाना है कि योगी जी का राज क्या है, ये देखो तुम मौत से जाओगे और सब मिट्टी में मिला दिए जाओगे। मैडम आप लोग प्रयागराज की रहने वाली हैं, आप लोगों से अगर एक सवाल पूछें कि जैसे पहले कानून व्यवस्था कैसी रहा करती थी, आप लोग भी जैसे आप लोगों के फैमिली से आप लोगों के हस्बैंड भी जाते होंगे काम करने के लिए जॉब करने के लिए, तो कितना भय रहा करता था पहले योगी सरकार के पहले? योगी सरकार के पहले की बात बिल्कुल मत करिए, इसलिए कि पहले तो पुलिस वाले सुनते ही नहीं थे, जो माफिया लोग थे वही सब काम करा ले जाते थे, जो आपके निर्दोष लोग थे वो अंदर हो जाते थे, माफिया बाहर सड़क पे टहलते थे। हमारे पति खुद पार्षद थे 3 बार के, लेकिन जो उस समय होता था वो आज नहीं है। आज हम लोग बेधड़क निकल रहे हैं, सब चीज़ हम लोग कर रहे हैं, महिलाएं एकदम निश्चिंत हैं। अच्छा जितना आप आज बोल रही हैं इन लोगों के खिलाफ, कल नहीं बोल सकते थे? कल नहीं बोल सकते थे हम? बोलेंगे शाम को, पता नहीं क्या। अगर मान लीजिए हमने बोला, हमने कोई बयान दिया, शाम को मेरे साथ क्या हो जाए हमको खुद नहीं मालूम। और योगी सरकार में? योगी सरकार में हम बोल रहे हैं, आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष हम बोल रहे हैं, हमें किसी का डर नहीं है, हमें किसी का डर नहीं है, कोई कुछ भी करे मेरे साथ, लेकिन जो सही है वो सही है। आज माफियाओं गुंडों का अपराधियों का डर नहीं है, किसी का डर नहीं है, किसी का डर नहीं है, मौत तो एक दिन सबको सबकी होनी है। मैडम आपका क्या नाम है? मेरा नाम हेमलता वर्मा है। मैडम ये बताइए कि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है इन लोगों के खिलाफ, अब आप लोग इससे कितना खुश हैं? इससे हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि बहुत से लोग तो अंदर हैं जेल के और कुछ ही लोग बाहर हैं, जो कि इन लोग षड्यंत्र रचते हैं, एक आम पब्लिक है उसमें इन लोग भगदड़ मचवाते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि आज भी इनका गुंडा राज है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इनके गुंडे राज को हम लोग महिलाएँ तक दबा सकती हैं, क्योंकि जब आज हम लोग एक महिला होकर स्वतंत्र हैं, हम लोग बाहर निर्भीक होकर रात में भी जा रहे हैं दिन में भी जा रहे हैं, और जो चोर होता है ना वो चोरी से काम करता है, ये खुलेआम इन्होंने नहीं किया है, अगर थोड़ा भी पता हो तो महिलाएं ही इनका जवाब दे देती, लेकिन उन्होंने तो चोरी चोरी काम किया है ना। महिलाएं इतना सक्षम है कि महिलाएं ही उनको जवाब देने? हाँ बिल्कुल, महिलाएं इनके लिए काफ़ी हैं, क्योंकि ये तो महिलाओं की तरह ही हरकत कर रहे हैं ना, घर में घुस घुस के काम कर रहे हैं, हिम्मत होता तो ललकारते ना, लेकिन इन्होंने तो घुस घुस के काम किया ना, किसी दुकान का शटर लिया घुसने के लिए, कहीं पर छुपने के लिए, अरे तुम में दम था तो खुलेआम खड़े होते, फिर पुलिस वाले देख लेते तुमको, हाईकोर्ट में हाँ पुलिस वाले इनको देख लेते, लेकिन इन्होंने छुप छुप के काम किया, अगर दम था तो खुलेआम आते। हाँ ठीक है, पहले इन लोग का भाई गुंडा राज बहुत ज़्यादा चलता था, योगी जी के राज में मोदी जी के राज में हम लोग अपने आप को एकदम सुरक्षित समझते हैं, जब महिलाएँ होकर हम लोग अपने आप को सुरक्षित समझते हैं तो पुरुष क्यों ना समझें, तो हम तो यही समझते हैं योगी। पहले कितना इन लोगों का दहशत रहती थी? पहले तो इन लोग का दहशत रहता था भाई, हम लोग भी यहाँ 20 साल 25 साल से हैं, शादी होके आए हैं, तो पहले हम लोग सोचते थे कि भाई हमारा घर भी मुस्लिम एरिया के पीछे ही है, तो हम लोग को थोड़ा सा डर सा लगा रहता था, लेकिन अब हम लोग नहीं डरते, क्योंकि इस बात का पहले डर रहता था? पहले था कि जैसे औरत हो ज़्यादा ना निकलो, भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज के डेट में जगह जगह योगी जी ने मोदी जी ने महिलाओं के लिए सुरक्षा बहुत किया है, पिंक चौकी बनवा दी है, पुलिस जगह जगह लगी रहती है, मेरा तो वर्क ऐसा है कि हम लोग तो रात में 2 बजे 1 बजे आते हैं, हाँ लेकिन निफिक्र होकर आती हूँ। खबर ये भी है कि अभी इन लोगों ने जो किया है इसकी सजा हो सकता है बुलडोजर भी चले इन लोगों के घरों पर, क्या लगता है? नहीं चलना चाहिए बिल्कुल, देखिए इससे इनको एक सबक मिलेगी कि आज आपने गलती किया तो आपके ऊपर बुलडोजर चला, अगला को जो अगला गलती करने वाला होगा उसको एक भय होगा कि मेरे ऊपर भी बुलडोजर चलेगा, और ये तो चलना ही चाहिए, बल्कि हम तो कहते हैं एक एक बुलडोजर महिलाओं को भी दीजिए ना, हम लोग भी जाके चलाएं। हाँ महिलाओं को भी दीजिए एक एक बुलडोजर, हम लोग भी जाके चलाएं इनके घर में, और इनकी महिलाओं को बताएं कि तुम चूड़ी पहन के घर में बैठी हो, तुम्हारा आदमी बम फेंक रहा है, हम लोग महिलाएं होकर तेरे घर में बुलडोजर चलाएंगे, क्योंकि निर्दोष जिसके भी पति को तुमने मारा, जिसके भी बच्चे को मारा, उसकी माँ से उसकी पत्नी से पूछो कि उसके दिल पे क्या गुजर रही है, तो वही एहसास हम भी तुमको देंगे ना, तो तब तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा पति नहीं ना बच्चा नहीं है तो तुम कैसे जियोगी, तो हम महिलाएं जवाब देंगे। मैं तो कहती हूँ बुलडोजर दो,
महिलाओं को बुलडोजर माफियाओं के घर में चलाने के लिए, ताकि सबक मिले उनके घर की महिलाओं को, सबक मिले उन पुरुषों को, सबक मिले कि तुमने तो चोरी से वार किया, लेकिन प्रयागराज की महिलाएं निधड़क बेझिझक उनके घर में जाके बुलडोजर चलाएंगी। अच्छा मैडम, ये वो तो अतीक अहमद की पत्नी को तो डर लग रहा है, वो कह रही है कि हमारे पति तो निर्दोष है, उन्होंने इस हत्या में कुछ। देखिए अगर उनकी पत्नी को डर लग रहा है, पत्नी तो घर में बैठी है, पति तो जेल में बैठे हैं, तो उनको डर लग रहा है, वो भी थोड़ा बाहर निकले ना, तो पता चले कि दुख दर्द जिसको बम फटा है, चिथड़ा नोचाया है, तो उस खून को एहसास करे ना बाहर आके कि किसके द्वारा उसका खून बह रहा है। अगर वही खून उनके घर में बहे तो उनको कैसा लगेगा। तो हर दुखिया को उसको सबकना चाहिए, समझना चाहिए, अपने पति को समझाना चाहिए, अपने बच्चों को समझाना चाहिए, ऐसा सर्कल बनाना चाहिए कि भारत में एकता हो, और एकता से ही आगे चल सकता है। हम लोग ना मुस्लिम के उसमें हैं ना हिंदू में, हम लोग ये चाहते हैं कि सब लोग हम लोग मिल के रहें, भाईचारे से रहें, और एक अच्छे राष्ट्र का, एक अच्छे भारत का हम लोग विकास कर सकें। आपके उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश भैया, वो तो कह रहे हैं कि ये नफरत का मतलब कि एक तरीके से माहौल बना रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं, ये मतलब कि पुलिस एक तरफा वो कर रही है, पुलिस खुश कर रही है सरकार। नहीं नहीं नहीं, ये पुलिस, हाँ एक मिनट भैया, रुकना चाहूँगी। उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा बहुत कानून और कायदे में रहकर काम करती है, वो कभी भी कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाती है जिससे कि पुलिस के ऊपर कोई कोई उंगली उठा सके। और रही बात ये कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है इस तरह के काम कर रही है, जैसा मैंने भी सुना कि उन्होंने कहा ना कि विकास दुबे की तरह कहीं ऐसा ना हो कि अतीक अहमद को भी वो कर दिया जाए, तो इतना गैर जिम्मेदाराना हरकत कोई पुलिस वाले कभी नहीं करते। हाँ जब हम निकलेंगे, अगर आप हमारे ऊपर गलत ढंग से कोई हमला कराने की कोशिश करेंगे तो अपने प्रोटेक्शन में हम अपना बचाव जरूर करेंगे। चिंता क्यों सता रही है? ठीक है, वो डर है, गलत किया, गलत किया है भाई साहब, तो डरेंगे तो भाई। अब वो क्या सोचते हैं कि वो एक अगर गवाह को मार देंगे तो उसके बाद उनका मैटर शांत हो जाएगा। अगर उनको कानून की जानकारी है तो धारा 164 CRPC के तहत अगर गवाही एक बार कोर्ट में हो जाती है तो अगर उसके बाद वो गवाह जिंदा नहीं भी रहता है तो भी उतनी ही सजा उस अभियुक्त को मिलती है। ये बात उन जाहिलों को पता होनी चाहिए। तो जो हरकत उन्होंने करी उसका परिणाम तो भुगतना ही है। आप लोग प्रयागराज की महिलाएं अब इतना मतलब कि सक्षम हो गई हैं कि कानून कानून की भी जानकारी रखने लगी है, ये भी जरूरत पड़ गई। बिल्कुल बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, हमें अगर ज्ञान नहीं होगा तो हम बात कैसे करेंगे। तो पुलिस प्रशासन पर तो आप हाथी मत उठाइए। देखिए पुलिस प्रशासन जो है उनका एक वो है कि न्यूनतम बल का प्रयोग करिए आप अपने बचाव के लिए। अब उसमें आपकी किस्मत है, हमारी किस्मत, हम भी मारे जा सकते हैं, आप भी मारे जा सकते हैं, बात खत्म। अगर आप गलत करोगे तो आपका भी वही विकास दुबे वाला आपके साथ भी हो सकता है कोई। ये तो कानून है, ये तो योगी जी मोदी जी और हमारी कानून व्यवस्था। अगर जो भी अपराधी है, मैं फिर यहाँ पर रिपीट करूँगी, किसी भी संगठन का, किसी भी अरबपति करोड़पति, किसी भी राजनेता का बच्चा या किसी भी राजनेता अगर इस तरह की उसमें गतिविधि में लिप्त पाए जाएंगे तो उनको उनकी अपराध के अनुसार जो उनकी वो है वो कानून की वो भोगनी पड़ेगी ही पड़ेगी। मैडम अगर आपसे बात करें तो पिछली सरकारों में यहाँ की प्रयागराज की कानून व्यवस्था कैसी रहती थी, ये जो अतीक अहमद हैं इनका पूरा गैंग है, इन लोगों से कितना खौफ रहता। मैं शहर पश्चिम से ही शहर पश्चिम में ही रहती हूँ, और शहर पश्चिम का माहौल अतीक के समय में ये था कि शाम को 7 बजे के बाद महिलाएं निकल नहीं सकती थी। आज योगी मोदी जी की सरकार में मैं जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा से हूँ, मैं रात में 12 बजे भी मीटिंग अटेंड करके आ रही हूँ बेखौफ। तो क्यों शाइस्ता परवीन जी ने ऐसा अपने पति को उकसाया कि ऐसे रास्ते पे जाएं? उस समय उनको समझाना चाहिए कि जिसकी बहन बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, भाई के साथ ऐसा हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है, वो भी कितना बिलख रहे होंगे, दुख दर्द उनका समझती तो आज उनको डर ना लगता। शासन प्रशासन से उनको जो डर लग रहा है, सांसद और विधायक से वो कह रही हैं, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं होती। आज आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरे काम का बुरा नतीजा, तो इसलिए तो बुरा जैसा करोगे वैसे जो बोया है वही काटोगे। तो इन लोगों ने कितनी दहशत बनाई थी महिला? दहशत तो इतनी ज़्यादा थी, बता तो रही हूँ, 7 बजे के बाद कोई महिला अपने को सुरक्षित नहीं समझती थी। सपा सरकार में इतने बलात्कार के केस होते थे, इतना छिनैती होती थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं समझती थी अपने को, बहू बेटियों को निकलने में दिक्कत थी। आज हमारी बेटियाँ निकल रही हैं, बहुएँ निकल रही, हम भी कहीं की बहू हैं, आज राजनीति में खुल के आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये घर वाले सुरक्षित समझे तब हमको भेजे इस फील्ड पे ना। आज हमारे पीछे 400 महिलाएं हैं, हमारी टीम जो है,
तो वो 400 महिलाएं किसी की बहन किसी की बेटी हैं, जब ही तो वो आज निकल रही हो अपने को सुरक्षित। उनके प्रयागराज की नारियां सशक्त हो गई हैं। प्रयागराज की नारियां क्या, हम कहेंगे पूरे हिंदुस्तान की नारियां सशक्त हैं। प्रयागराज की ही बात नहीं करिए, आप पूरे देश की बात करिए, हर जगह की महिलाएं एकदम सशक्त हैं और महिलाएं बढ़ चढ़ के आगे बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के चल रही हैं। और योगी मोदी जी की सरकार ने महिलाओं को इतना दिया है ताकत। हम लोग आरक्षण की बात जो कर रहे हैं 33%, तो हम लोग बिल्कुल पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और हमारे मोदी योगी जी की सरकार में हम लोगों को बराबर बढ़ावा मिल रहा है। आज हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ से बिलोंग करती ये सब जान रहा है, लेकिन आज बुलडोजर का समर्थन पूरा करते हैं, बुलडोजर का समर्थन है। और जैसा कर रहे हो बुलडोजर तो उनके यहाँ चलना ही चाहिए, उनको भी इस दर्द का एहसास हो कि हाँ कितना दर्द होता है एक घर को बनाने में और एक घर को तोड़ने में। तोड़ा था आपने तब तो अच्छा लग रहा था, अब आपका टूट रहा है तो क्यों दर्द हो रहा है? दर्द तो उस समय भी था जब आपने अच्छे लोगों का घर तोड़ा था, आज आपका घर टूट रहा है तो हम लोगों को भी फील तो कुछ अच्छा ही हो रहा है। तो आम जनता संतुष्ट है इस चीज़ से कि जो योगी सरकार कर रही है सही डिसीजन है। आम जनता में आप कहीं भी जाके एक भी बंदे से आप पूछिए, कोई ये नहीं कह रहा है योगी सरकार में गलत हो रहा है। योगी अखिलेश यादव तो कहना है कि पिक्चर की शूटिंग के तरीके एक तरीके। अखिलेश यादव जी अपने को देखें क्या कर रहे हैं, पिक्चर की शूटिंग तो वो कर रहे थे, वो तो टेलर दे रहे थे, पिक्चर तो योगी जी ने पूरी कर दी। हाँ। बुलडोजर चला दिया, अब अखिलेश यादव जी का बल नहीं चल पा रहा तो अखिलेश यादव जी क्या बोलेंगे? चीज मैं बोलूंगी, अखिलेश जी को बोलने का बिल्कुल अधिकार नहीं है क्योंकि ये उन्हीं के बनाए हुए सपोले हैं। ठीक है, अगर समाजवादी पार्टी के समय में अगर ये सारे ठूंस के अंदर जो इनके कहना कि इनकी हुलिया टाइट कर दी गई होती जो आज योगी जी कर रहे हैं, तो शायद इस तरह की घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं होती। तो इन्होंने नागों को दूध पिलाया है, तो अब बारी आई है कृष्ण भगवान का अवतार लेकर के हमारे योगी जी आए हैं, फन कुचलेंगे इन सब की, बिल्कुल चारों खाने चित्त क्या आठों खाने चित्त कर देंगे इनको, तो अब तो इनको भुगतना ही है भाई साहब। आप लोगों को क्या लगता है कि इन माफियाओं को गुंडों को अपराधियों को संरक्षण ये इतने बड़े कैसे बने, किसने बनाया इन लोगों? इनको दिया गया ना, हमने बताया ना विरोधी पार्टियां जो हमारी हैं, जो समाजवादी पार्टी जैसे सपा बसपा के समय में आपने देखे थे कितने कांड है, मैं गिनवा सकती हूँ लेकिन मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहती। महिलाओं की एक रुपए की सुरक्षा नहीं थी भाई साहब। हम लोग रात में 10 बजे, मैं ड्राइव आज 25 साल से कर रही हूँ गाड़ी, आप बिलीव नहीं करेंगे, रात में 10 बजे के बाद ये भय लगा करता था कि गाड़ी साल कोई रोक ना ले रास्ते में कहीं। ये डर से हम जब निकलते थे मुस्लिम एरियाज से स्पेशली, क्योंकि अतीक का दबदबा था उस जगह, आपकी गाड़ी अगर निकल रही और कोई आपसे बदतमीजी लड़के कर रहे हैं तो आप बोल नहीं सकते थे, आप चुपचाप। आज बोल के दिखाए कोई, आज योगी सरकार में जा सकते, आज योगी सरकार में वही मारूंगी गिरा के, जाते हैं वही मारूंगी और जाती हूँ, एक कॉल करूंगी, एक कॉल पे देखिए तुरंत पुलिस अवेलेबल होती है। तो क्या है, ये परिवर्तन ही तो है ना, ये परिवर्तन है। योग उनके अतीक के समय में, अखिलेश जी के समय में आगे आगे पुलिस जा रही, पीछे पीछे महिलाओं के साथ चिन्हती होती थी, आज कम से कम ये तो नहीं है। पुलिस प्रशासन इतना अच्छा है कि महिलाओं के तरफ कोई आंख उठा के देखता है, तुरंत पुलिस प्रोडक्ट। आप लोग अतीक के इलाके में जाके अतीक को आज की डेट में 100% सबक सिखा सकते हैं, अवसर दें योगी जी, देखिए ना सिखा दें उसको, छड्डी का दूध याद दिला देंगे कि तुम ये उसकी पत्नी ने तब क्यों नहीं समझाया था जब उसका पति गलत गतिविधियों में लिप्त था, तो उसको समझाना चाहिए था कि गलत कर रहे हैं, इसके परिणाम गलत होंगे। तब तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा था, तब तो आज वहाँ पे मुर्ग मुसल्लम और सब कुछ समाजवादी पार्टी के समय में और एंजॉयमेंट हो रहा है, पार्टियाँ हो रही हैं, स्टेज पर नचनिया डांस हो रहा है, ये सब चल रहा था, तब कहाँ थी सरकार, तब क्यों नहीं बात करी? आज प्रदेश सुधर रहा है, आज चीज़ें वो हो रही हैं, तो आरोप प्रत्यारोप तो विपक्ष का काम होता है, विपक्ष का काम है, तो विपक्ष का काम है, वो तो करेगा ही करेगा। ये जो पिछले जख्म है उनको एक तरीके से मतलब आप लोगों को याद आके इतना सशक्त हो गए क्या? बिल्कुल 100% हम बिल्कुल 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 आज हम लोग सशक्त हैं, हम लोग आगे भी बढ़ना चाहते हैं और आगे कार्य भी करना चाहते हैं, पर यह है कि अगर कोई ऐसा गलत कार्य करेगा तो उसके लिए हम लोग आगे बढ़ के उनका फन भी कुचलने के लिए तैयार हैं। आज महिलाएं पूरा एक तरीके से तैयार हैं, बिल्कुल महिलाएं पूरा तैयार हैं क्योंकि महिलाओं को उतना छूट दिया गया है, महिलाओं के लिए उतना सुरक्षा दिया गया है और महिलाएं आगे बढ़ेंगी और कार्य करेंगी। पहले तो घर वाले दाब देते थे कि नहीं मत जाओ, गुंडा राज है, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आज महिलाएं दाबने पे भी नहीं रुकेंगी, वो आगे बढ़ेंगी और अपना कार्य करेंगी। आप लोग डिमांड कर रही हैं योगी जी से, आप लोगों को भी बुलडोजर खरीद के दे दें? बिल्कुल, एक एक बुलडोजर हम लोग को भी दे दें, मैं तो कहती हूँ सबको दे दें ताकि ऐसे अपराधी का घर को कुचल दिया जाए ताकि उनके घर वालों को भी एहसास हो। बस बिल्कुल बिल्कुल एकदम शौक से, हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ के इन लोगों के फन को कुचलें।
ऐसी पावर और ताकि आगे आगे इस तरीके की कोई भी दुर्घटना ना हुए। देखिए हम लोग भी जैसे हम लोग जिस तरीके से हम लोग बोल रहे हैं तो अगर हम लोग उसमें रहते तो हम लोग को भी डर लगता कि आज हम लोग बोल रहे हैं कल वो जरूर हमारी बातें सुनेंगे तो वो हमारे ऊपर भी जानलेवा हमला कर सकते हैं जैसे उन्होंने उमेश पाल के साथ किया। ठीक है वो कर सकते हैं हम लोग के ऊपर भी, लेकिन देखिए हम लोग डर नहीं रहे हैं क्योंकि मरना सबको एक दिन है, लेकिन अगर हम विरोधी पक्ष को और जो गलत कार्य करता है अपराधी माफिया को अगर हम लोग अगर मार के मरेंगे तो भी हम लोग को कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल, ये तमाम सारी महिलाएं थी प्रयागराज की, ये सशक्त हो चुकी हैं, अब कह रही हैं कि मतलब अगर योगी सरकार इन लोगों को एक एक बुलडोजर खरीद के दे दे तो ये लोग भी जा करके अतीक और ये गुंडे माफियाओं के घर पर बुलडोजर खुद ही चला सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए दराज तक।